स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत पहले सीटी में पूछा गया था, लेकिन आज अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई की है, आप 5 सेकंड के अंदर विदाउट पेन लिए आप इसका जवाब दे सकते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे का सही जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में, लेकिन जो एक रैंडम विनर होगा, ठीक है, एक लकी विनर हम निकालेंगे, उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर मिलेगा, ठीक है। उसको कमेंट में मैसेज आ जाएगा कि प्लीज मैसेज अस ऑन दिस नंबर, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिल जाएगा, तो जरूर आपको कमेंट करना है। उससे पहले एक चीज समझ लेना, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, उसके बाद कमेंट करना है, क्योंकि सिर्फ सब्सक्राइबर के ही कमेंट्स ही दिखते हैं, ओके। तो इसलिए प्लीज कमेंट करना मत भूलना। एवरीवन वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके फिजिक्स के स्ट्रेटजी के ऊपर, ठीक है। फिजिक्स में आप कैसे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। मैंने मेरे टाइम पे 45 से भी ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 45 से भी ज्यादा मार्क्स मेरे बने थे, ठीक है, फिजिक्स में। तो मैंने क्या क्या चीजें फॉलो की थी, ठीक है। अभी आप कौन कौन सी चीजें फॉलो करके 45 से भी ज्यादा नंबर फिजिक्स में ला सकते हो, ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले एक चीज जरूर जान लो, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहां पे सारे आपके नोट्स, पीवाईक्यूज, सीटी सेल की जितने भी अपडेट्स आते हैं, सारे के सारे आपको वहां पे मिलते रहेंगे, ठीक है। टाइम टू टाइम आप अपडेटेड रहोगे, कोई भी अपडेट नहीं मिस होगी। कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अपडेट आ जाती है तो सबसे पहले वहां पे आएगी, ठीक है। कुछ भी अपडेट आपकी मिस नहीं होगी, सारे एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलेंगे। मैम ने जो जो अपने समय पे स्ट्रेटजीज यूज की, ठीक है, कैसे उन्होंने 98% बोर्ड्स में निकाले, 99% सीटी में निकाले, सारी स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर होगी। कैसे मैंने मेरे टाइम पे 90%+ बोर्ड्स में निकाले, 95%+ मैंने सीटी में निकाले, ठीक है। मेरे टाइम पे तो सीटी नहीं होता था, लेकिन कैसे मैंने 175+ मार्क्स सीटी में निकाले, सारी स्ट्रेटजीज वहां पे डिस्कस होती है। तो इसीलिए प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, ठीक है। वहां पे इंपॉर्टेंट पीडीएफ में आज भी शेयर करने वाला हूं, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि फिजिक्स की क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। बात करते हैं अभी फिजिक्स की स्ट्रेटजी के ऊपर, ठीक है। तो फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके फॉर्मुलाज, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके पीवाईक्यूज, ठीक है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके न्यूमेरिकल्स, ओके। जब बोर्ड्स के बाद एक महीना मेरे पास बचा था, ठीक है, उसमें मैंने कुछ अलग स्ट्रेटजी फॉलो की थी। बोर्ड्स के पहले एक महीना मैंने कुछ अलग स्ट्रेटजी फॉलो की थी, ठीक है। हर साल मैं सेम स्ट्रेटजी देता हूं बच्चों को। जब तक आपका बोर्ड्स खत्म नहीं हो जाता, तब तक आपको क्या करना है, सारे फॉर्मूलाज फिजिक्स के रट लेने, ठीक है। एमएसटी सीटी पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, ठीक है। सारे फॉर्मूलाज आपको रट लेने हैं, 20 पीवाईक्यूज पर चैप्टर आपको कर लेने हैं, ठीक है। कहां से मिलेंगे सारी चीजें मैं बताने वाला हूं, कितना इजीली हो जाएगा ये भी बताने वाला हूं, ठीक है। और आपको 40 न्यूमेरिकल्स ओवरऑल करने हैं, ठीक है। 40 उसमें 20 तो PYQs ही रहेंगे, मतलब सिर्फ आपको एक्स्ट्रा 20 न्यूमेरिकल्स करने। इतना कर लिया आपने, आप 35 क्वेश्चंस फिजिक्स के करके आओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। मैंने हर बार बच्चों को यही बोला है, हर बार बच्चों ने स्कोर किया है, ओके। आगे बढ़ते हैं, आपको ये चीज समझी, ठीक है। दूसरी चीज अभी बात आ जाती है चैप्टर्स के ऊपर, सर कि चैप्टर्स कौन कौन से प्रिपेयर करें हम, ठीक है। सारे के सारे चैप्टर्स तो नहीं प्रिपेयर कर सकते, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है यार किसी भी बच्चे की, और इसमें कोई मैं कुछ अलग चीज नहीं बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मीडियम इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लो चैप्टर्स को, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो होंगे वो सबसे पहले पढ़ लेना, मीडियम इंपॉर्टेंट पढ़ते रहना, लेस इंपॉर्टेंट आपको बोर्ड्स के बाद पढ़े तो भी चलेगा, ठीक है। अभी बात करते हैं हम चैप्टर्स की, ठीक है, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से। मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट बता देता हूं, बाकी जो भी बच जाएंगे वो सारे आपके लेस इंपॉर्टेंट सॉरी मीडियम इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर हम लिखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो फिजिक्स का माना जाता है, वो है रोटेशनल डायनामिक्स। आज का क्वेश्चन भी रोटेशन का ही है, राइट। रोटेशनल डायनामिक्स आपके कितने क्वेश्चन आते हैं उस चैप्टर में से, आपके 3 क्वेश्चन आप कंसिडर करके चलो, ठीक है। 3 क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा वेटेज है, ओके। 6-7% वेटेज इज वेरी गुड वेटेज इन एमएसटीसीटी। सेकंड चैप्टर आपका केटीजी, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, इसके भी 3 सवाल आपके बनते हैं, ठीक है। उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स लिख सकते हो आप, ठीक है। ये आता है आपके, इसके भी 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ईएमआई, इसके आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आता है आपका थर्मो, इसके 3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रो, इसके 3 क्वेश्चन बनते हैं। ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, नोट डाउन कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो लिख लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने से वो आपकी सिर्फ गैलरी में सेव होगा, ठीक है, लिखने से आपके नोट्स में आएगा, कभी ना कभी आप पढ़ोगे उस चीज को, ओके, ठीक है। खत्म करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। अभी मैं आपको लेस इंपॉर्टेंट बता देता हूं, जो सबसे आपको आखिरी में करने, ठीक है। लेस इंपॉर्टेंट में सबसे पहला चैप्टर आता है मोशन इन अ प्लेन, एक क्वेश्चन आता है, 11th का चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं मैं, उसके बाद आता है आपका ग्रेविटेशन, मोस्ट ऑफ टाइम एक ही क्वेश्चन आता है, कभी कभार 2 पूछ लेते हैं लेकिन, ठीक है, सर्कुलर के साथ कभी सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ कभी कभी घुमा देते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद आप साउंड्स, एक क्वेश्चन बनता है सिर्फ, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल्स, एक क्वेश्चन बनता है,
सेमीकंडक्टर, लास्ट टाइम दो पूछे गए थे लेकिन हर साल एक ही क्वेश्चन बनता है। ये हो गया आपके लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर। आपके अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए, लेस इंपॉर्टेंट बता दिए, जो बच गए वो सारे आपके मीडियम इंपॉर्टेंट चैप्टर से। अभी आपका टास्क क्या है, सबसे पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट को खत्म करना है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट का आपको इस महीने के एंड तक सारे चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर खत्म कर देने। नेक्स्ट वीडियो केमिस्ट्री का आएगा, उसके बाद मैथ्स का आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने, या मैं आपको फॉर्मुलाज लिखवा दूं हर एक चैप्टर के, ठीक है। आपको चाहिए फॉर्मुलाज तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर फॉर्मुलाज लिखवा दो, मैं फॉर्मुलाज भी लिखवा दूंगा, ठीक है। फॉर्मुलाज प्रिपेयर्ड है, जैसे मैं क्रैश कोर्स में पढ़ाई रहा हूं बच्चों को, ठीक है। देखो क्रैश कोर्स के बारे में और एक चीज बता देना चाहता हूं मैं, ठीक है। आप कहीं से भी क्रैश कोर्स लगाओ, वो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है या किसी चीज का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, क्रैश कोर्स जरूर लगा लेना। लेकिन मैं क्यों बोलता हूं क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स इस बार बोर्ड्स के बाद मत लगाना। बोर्ड्स के बाद आपके सवाल से 15 दिन है, ठीक है, एक महीना है मैक्स टू मैक्स, ठीक है। उसमें आप ज्यादा नहीं कर पाओगे, ओके, पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाते, कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्रैश कोर्स अभी से कहीं से लगा लेना है, लेकिन पूछ लेना, ऐसा क्रैश कोर्स लगाना वहां पे 1200 से भी ज्यादा पीवाईक्यूज सॉल्व हुए हो। 1200 पीवाईक्यूज मतलब पता है कितना, सिर्फ 20 क्वेश्चंस पर चैप्टर, 20 पीवाईक्यूज तो हर एक टीचर ने सॉल्व कराने चाहिए, है ना। नहीं करा रहा है कोई तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, हर एक बच्चे के करा के ले रहा हूं मैं, ठीक है। जो बच्चे क्रैश कोर्स में उन्हें पूछ के देख सकते हो आप। ये हो गया, उसके बाद 3000 क्वेश्चन आपको मिलने चाहिए, ठीक है। 3000 क्वेश्चन, 20 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, 20 मॉक टेस्ट मतलब 3000 क्वेश्चन। मुझे बताओ आप 3000 क्वेश्चन करके गए, ये 1200 क्वेश्चन करके गए, कितने क्वेश्चन हुए आपके, 4200 क्वेश्चन हो गए। 4200 क्वेश्चन करके जाओ और मुझे बताओ कि सर मेरा फिर भी सीईटी नहीं हुआ, नहीं होगा ऐसा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपको एचएससी बुक को बहुत अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। और आपको फॉर्मुला शीट में जो दूंगा क्रैश कोर्स में सभी बच्चों को मिल रही फॉर्मुला शीट, हर एक चैप्टर के फॉर्मुलाज लिख के दे रहा हूं, ठीक है। प्लीज इन सब चीजों को फॉलो करो, मैं गारंटी देता हूँ सक्सेस मिलेगी, आपकी जो अपेक्षा है 45 मार्क्स की वो आराम से कंप्लीट हो जाएगी, ओके। ज्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं, फिर से बोल रहा हूं मैं, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना है, मैं वहां पे ऑल टाइम अवेलेबल हूं, मैम वहां पे ऑल टाइम अवेलेबल है, आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। और जिन बच्चों को क्रैश कोर्स के बारे में कुछ भी जानना हो वो प्लीज ऐप डाउनलोड कर लेना, ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लेना, और या तो फिर आप मुझे डायरेक्ट इस पे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ये नंबर में यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, 7447699868, ठीक है। आप डायरेक्ट मुझे पूछ सकते हो, ओपनली मैं नंबर दे देता हूँ यार, क्योंकि ऑल टाइम बच्चों के साथ ही स्पेंड करता हूँ, ठीक है। मेरा पढ़ाने का तरीका है, ठीक है, जो मैंने अनअकैडमी में पढ़ाया, ठीक है, IITG के लिए पढ़ाया था, उसके बाद मैं फिजिक्स वाला में पढ़ाता था, ठीक है। मैंने टॉपर्स में काम किया है, ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में काम करने के बाद जो एक्सपीरियंस गेन किया है वही आपके सामने रखना है। हर साल न्यूटन एडुकेटर्स के सबसे ज्यादा बच्चे CUEP में जाते हैं, आप जाके रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, ठीक है। इसका एक ही रीजन है, सिंपल स्ट्रेटजीज को फॉलो करो, 10 माइन्यूट चीजों को फॉलो करो, आपको एक बड़ी चीज हासिल हो जाएगी, ओके। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए प्लीज बताना मुझे, ठीक है। आपको केमिस्ट्री के ऊपर चाहिए, मैथ्स के ऊपर चाहिए, जो भी चाहिए प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, क्वेश्चन का आंसर जरूर देना लेकिन, ठीक है। कहा गया क्वेश्चन अपना, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसका आंसर जरूर देना है आपको, देखते हैं कौन विनर रहता है, ओके। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले सी आप।